सो सर अमित दीक्षित साहब जी, आपने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट किए हैं या जो भी आप अपनी जिंदगी में आज तक कर पाए हैं मुंबई जाने से लेकर और ये लव कथा बनाने तक, क्योंकि लास्ट प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से आपका लव कथा ही रहा है, या और भी कोई प्रोजेक्ट थे? नहीं, आखिरी तो लव कथा ही रहा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। संतुष्ट है आप अपनी जिंदगी से? संतुष्टि एक बड़ा गहरा शब्द है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि संतुष्टि आदमी को कभी होती नहीं। आप जो भी काम करते हैं, जब भी करते हैं, आज की डेट में अंबानी को भी संतुष्टि नहीं है, वो भी कुछ बड़ा और करना चाहते, इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी। आज की डेट में अक्षय कुमार ने सब कुछ साबित कर दिया, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है जी। वो भी कहता है हमें कुछ नया करेक्टर, कुछ बढ़िया चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो संतुष्टि, जिस दिन आपके लाइफ में संतुष्टि का ब्रेक लग जाता है ना, उस दिन थोड़ी जीवन बड़ा ही एक लिमिटेशन में आ जाता है, और अभी हमें लिमिटेशन में आना नहीं है, कुछ बड़े काम करने, तो संतुष्टि नहीं रख सकते ना। एक जो एक्टर होता है उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है कैमरा फेसिंग। कोई भी एक्टर ये चाहता है, ये मेरे को लगता है जो लोग कहते हैं, अभी मेरी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छे एक्टर से बात हो रही थी, रुद्रपुर के ही हैं वो भी, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मुझे नेम फेम ग्लैमर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ और सिर्फ थिएटर के लिए काम करता हूँ, थिएटर के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टर सिर्फ नेम फ्रेम के लिए नहीं बनना चाहता होगा, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा स्वार्थ तो छुपा रहता ही होगा। देखिए, बॉलीवुड का जो सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लगता है वो नेम फ्रेम रिकॉग्निशन ही होता है जी। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो नेम फ्रेम और रिकॉग्निशन के लिए ही आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं छूट होगा उनके तरफ। छूट नहीं है, देखिए इसमें भी ना बड़ी विधाएं हैं। कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ एक्टिंग करना है, लेकिन क्या करना है, एक्टिंग करके कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं ना लोगों को, एक्टिंग कर रहा हूँ, लोग आपकी तारीफ करें, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में आता है। और जिस एक्टर की तारीफें नहीं होती, जिस एक्टर को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, फिर वो क्या करेगा। इसीलिए ये बात तो कहना मेरे ख्याल से, अगर मैं भी अगर आपसे, आप अगर मेरे से भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या है नेम फेम के लिए कर रहे नहीं कर रहे, मैं आपको रियल बताऊं, इंडस्ट्री का पहला रुझान लोगों का नेम फेम ही रहता है। ठीक है, दूसरा रुझान रहता है हमारी इंडस्ट्री का जो पैसा है। हमारी इंडस्ट्री में रिवॉर्ड के साथ साथ इनकम अच्छी रहती है, इसलिए मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं। आपके फैमिली में, आपकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं पंत नगर में, और आपकी फैमिली में सब जॉब वाले हैं मेरे को जहां तक पता है, एक आपने एक अलग ही फील्ड चुना, तो कब ये सरकम चांसेस बने होंगे कि आपको लगा कि नहीं मुझे आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, ऐसा क्या हुआ होगा, वो कौन सा दौर होगा, या वो कौन सा सरकम चांसेस रहे होंगे कि अमित दीक्षित के दिमाग में आया कि नहीं मुझे यही करना है, जबकि छोटे शहर से बिलोंग करते हैं आप? इसके लिए आपको मेरी थोड़ी हिस्ट्री में जानी पड़ेगी। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था, कला का जो फील्ड है जी, वो मेरे लिए हमेशा से रहा है, बचपन से, क्योंकि मटकोटा में रहता था मैं, तो हम लोग स्कूल टाइम से ही चौथी पांचवी में थे तब से हम नाटक करते थे जी। और जन्माष्टमी जैसे प्रोग्राम में हम लोग जैसे बाहर मंदिरों में हो गया उसमें किया करते थे नाटक, तो मैं एक्टिंग करता था, डायरेक्शन भी करता था बचपन से ही। फिर मेरा रुझान हुआ म्यूजिक की ओर, जनता इंटर कॉलेज में पढ़े जी, म्यूजिक में गए, कॉन्गो बजाते थे जी, तो वही कॉन्गो, फिर हम इतना शौक पड़ गया था कि हम जगरातों में कॉन्गो बजाने लगा मैं, और नॉन पेमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसे जगराते में कॉन्गो बजाने का पेमेंट ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ सीखने के लिए करता था। फिर चलता रहा, फिर एक समय आया, दौर आया, काम में लग गए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि एक कहीं ना अंदर की एक संतुष्टि हुई, आपने कहा ना संतुष्टि मिलती अपने वर्क से ना, फिर देन मेरी बैठ के बात हुई मेरे ब्रदर से, मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया ने कहा कि देखो भाई, जिस फील्ड से आप बचपन से हो, क्यों ना आप उसी फील्ड को अपना करियर बनाइए। तो मैं एक्टिंग लाइन से बचपन से था, देन उसके बाद फिर मन हुआ कि चलो एक्टिंग लाइन में भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, फिर दिल्ली गए, एक्टिंग सीखे, रुद्रपुर में थिएटर किया, और उसके बाद फिर मुंबई गए, काफी वहां पे वर्क किया। पर यही है कि बचपन से जो चीज जिस चीज में लगे हुए थे, एट द लास्ट आके हमने उसी को अपने करियर के रूप में चुना। मुंबई जाने का एक जो सपना होता है एक्टर के लिए, बहुत बड़ा सपना होता है, तो जब आप मुंबई पहुंचे होंगे और प्लेटफॉर्म पे जब उतरे होंगे और जब यहाँ थे आप, तो कैसा एकदम से फील हुआ होगा? कैसे उतरते ही, मतलब कैसा लगा होगा, क्या? नहीं, ये हर
ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर आर्टिस्ट क्या होता है कि सपोज कीजिए जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से मुंबई जाता है तो वो सपने लेके जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसने फिल्मों में देखा होता है कि एक बंदा कहीं अपने गांव देहात से गया, वहाँ पे फिल्मी लाइन में गया, एक दिन जा रहा है, उसने ऑडिशन दिए, एक डायरेक्टर ने उसको देखा और सीन में उसको ले लिया और ऐसा धीरे धीरे करते 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 हीरो बन गया। तो यही सपने दिमाग में लोगों के घूम रहे होते हैं जी। कि हम बाहर से जा रहे हैं, मुंबई में जाएंगे, 3-4-5 ऑडिशन देंगे, डायरेक्टर खुश हो जाएगा और फिर तो भाई सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाएगी। तो वही कुछ चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, ओवरऑल सबके दिमाग में चलती ही चलती है वो सारी चीजें। देन फिर इसी जब मैं मेरे को याद है जब मैं गया था और बोरीवली स्टेशन पे उतरा था, नवंबर का टाइम था, तो ठंड नवंबर में हमारे दिल्ली और ये उत्तराखंड साइड में बहुत ज्यादा, तो मैं एक मोटरली जैकेट पहन के गया और जैसे ही उतरा मैं बोरीवली में, तो वहां पे लोग मेरे को घूर के देखने लग गए क्योंकि वहां तो उतनी गर्मी पड़ रही थी अच्छी खासी, तो मैं मोटे से जैकेट में था। लेकिन दिमाग में क्या था कि उस टाइम वो ध्यान नहीं चल रहा था मेरा कि लोग मेरे को क्या देख रहे हैं, क्योंकि दिमाग में था कि हम एक सपनों की नगरी में, माया नगरी में उतर चुके हैं और अब बस कुछ दिनों की बात है और कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक्टर बनने ही गए थे? एक्टर बनने ही गए थे, मैक्सिमम लोग वहाँ एक्टर बनने जाते हैं, एक्टर बनने आते हैं बाद में कुछ और बन जाते हैं। तो फिर उतर गया बोरीवली में, फिर आगे का क्या कारवा चला? बोरीवली में उतरे, फिर सबसे बड़ी जंग वहां जो रहती है वो रहती है रूम ढूंढने की। देखिए मुंबई का एक रूल है, मुंबई में खाना सस्ता है, मुंबई में चलना फिरना सस्ता है, मुंबई में रहना बहुत महंगा है और इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। पहला दौर था रूम ढूंढने, रूम ढूंढने के बाद फिर आप क्या कर रहे हैं आप तो जी ठीक है, अभी झूला उठाया मतलब अपना बैग उठाया, बैग में एक एड्रेस रखता था मैं, चाहे कुर्ता हो गया, चाहे टी शर्ट मांगे टी शर्ट हो गया, ऑडिशन के टाइम पर एक कंघी रख लिया, बाल बनाने पड़ते थे, तौलिया रख लिया क्योंकि बार बार दौड़ रहे पसीना आ रहा है, फिर मुंह हाथ धोएंगे मॉल में जाके, फिर ऑडिशन के लिए भाग जाएंगे। डेली मैसेजेस को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर चले गया था तो ऐड हो गए थे, तो जो भी कोई ऑडिशन होता था तो वहां से हमको मैसेज आया करता था। वही फिर सुबह 9-10-11-12 बजे निकलना घर से पैदल पैदल, कभी अंधेरी वेस्ट में रहते थे, अंधेरी से निकले लोखंड वाला, लोखंड वाला से निकले चार बंगला, चार बंगला से निकले सात बंगला, सात बंगला से निकले जू तरफ, कभी मलाड, कभी गोरेगांव, दिए बड़े ऑडिशन 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 पर डे, कभी 10 किलोमीटर चलने, कभी 12 किलोमीटर चलने, तो यही एक सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बहरहाल फिर एक समय के साथ साथ जिस रूम में मैं था तो वहां पे मेरे को काफी लोग मिल गए थे अच्छे अच्छे, तो उसमें से एक व्यक्ति मेरे को मिले थे स्वर्णदीप विश्वकर्मा, उनके साथ मेरे कॉन्टेक्ट काफी अच्छे हो गए थे बॉलीवुड के अंदर, उन्हीं के साथ फिर हमने कुछ पीआर में हम लोगों ने काम किया, प्रमोशन एक्टिविटीज में काम किया, उन्हीं के साथ मैंने सीखा कुछ बहुत सारी चीजें, और इसी दौरान हम लोग काफी समय निकला पोस्ट प्रोडक्शन में, थोड़ा बहुत काम किया हम लोगों ने कि पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे होता है, शूटिंग कैसे होती है और कैमरा कैसा लगता है। तो साउदर्न इंडिया के सेट पे गया था, सीएडए के सेट पे गया था, मड़गांव में सेट लगा हुआ था तो वहां गए थे उनके कॉन्टेक्ट से, तो वहां पे घूम के आए कि कैसा होता है, ऑडिशन देते रहे, कॉन्टेक्ट बनाते रहे। फिर कोई एक छोटी सी घटना हुई, घटना के बाद फिर जाहिर सी बात है वापस आना पड़ गया। बेसिकली आप मुंबई गए थे एक एक्टर बनने, आपने बताया कि आपने प्रोडक्शन में काम किया, पोस्ट प्रोडक्शन या जो भी चीजें रही टेक्निकल डिपार्टमेंट के अलावा, लेकिन आप बेसिकली गए थे एक्टर बनने, तो एक्टिंग से रिलेटेड आपने क्या क्या काम किया? एक्टिंग से रिलेटेड अगर काम देखा जाए ना, जितना मैंने किया मैं उसको नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि देखिये छोटे मोटे केमियोज करने को कोई बड़ा काम नहीं कहा जाता ना जी। देखिये मुंबई में क्या होता है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है छोटे आर्टिस्ट की जी, कोई चाय के दुकान पे है चाय वाला, ठीक है, किसी को माली बनना है, किसी को नौकर बनना है, किसी को जी खून हो गया तो खड़े होकर देखना है, पुलिस को कॉल करना है कि यहाँ पे खून हो गया, तो ये केमियोस कैरेक्टर कहलाते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो इन सब कैरेक्टर्स को तो हमने किया है, लेकिन इसको मैं गिनती में रखता नहीं हूँ, कब आया कब गया किसी को पता भी नहीं, उससे कोई फर्क भी पड़ता नहीं, आपके करियर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात आप लिख कर आप कितना भी कर लें आप उतना ही संघर्षफुल रहेंगे जिंदगी, संघर्षफुल रहेंगे उस, आप जब भी आप कास्टिंग वाले को कैरेक्टर दिखाते हैं ना, तब कैरेक्टर दिखाना पड़ता है कि हमने ये इतना बड़ा काम किया, उस बेस पे आप कैरेक्टर डिसाइड होता है, ठीक है। तो हम तो उसमें मानते थे, इसलिए जो सीआईडी वाईडी थोड़ा बहुत जो किया था तो उसको ना तो मुझे पता है एपिसोड कहाँ है वो,
ना तो मुझे पता है कहाँ गया, इसलिए मैं उसे गिनती नहीं करता हूँ। अगर एक्टिंग करियर की बात की जाए, जी हाँ एक्टिंग करियर से गए थे, लेकिन वहाँ जाते तो कुछ और चीज पी आर सीखा। इतना काम इतना आसान नहीं होता ना मुंबई में मिलना, लोगों को लगता है मुंबई में काम मिलना बहुत आसान चीज है, बट ऐसा नहीं है। मुंबई आपको रगड़ देता है। एक बहुत बड़ी कहावत है, आपने मुंबई को एक्सेप्ट किया या नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता, मुंबई ने आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, अगर मुंबई ने आपको एक्सेप्ट कर लिया फिर आप उठ जाते हैं, और मुंबई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको वापस आना पड़ता। बहुत चुनौतीपूर्ण है मुंबई की जिंदगी। हाँ, जितना दिखता है उससे कई गुना है, क्योंकि रीजन भी है ना, आपके सामने एक कैरेक्टर के लिए हजारों लोग ऑडिशन दे रहे हैं, उस हजार में से एक आपका निकलना, या तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप, या बहुत ही अच्छा भाग्य है आपका। अच्छा, लिंक्स, वही लिंक वहां पे मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। कुल मिला के ये ऑडिशंस का उतना फर्क नहीं पड़ता जितने लिंक्स के, इसमें भी एक फर्क पड़ता है। देखिए, लिंक होना जरूरी है, ऐसा नहीं है लिंक जरूरी नहीं है, लिंक के साथ साथ थोड़ा टैलेंट होना भी जरूरी है। लिंक के बेस पे आपको एक बार काम मिल जाएगा, पर टैलेंट के बेस पे आपको बार बार काम मिलता है। ठीक है, इसलिए लिंक होना जरूरी है, उससे ज्यादा टैलेंट होना जरूरी है। अभी मैं पीछे के इंटरव्यू कर रहा था और तो बातचीत चल रही थी कि वो भी मुंबई गई थी और ऐसा कुछ जो भी रहा, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का जो प्रोसेस होता है, एक जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है, एक्टर एक टैलेंट को, भाग्य विधाता होता है वो, एक टैलेंट को डायरेक्टर प्रोड्यूसर से उसको मिलवाने का काम होता है। तो अभी बातचीत में निकला कि वो जो टैलेंट के साथ जो खेलते हैं, जो खिलवाड़ करते हैं उनके लाइफ के साथ, कहां तक वो चीजें सही है? आपको लगता है कास्टिंग डायरेक्टर काफी लोगों का बिगाड़ रहे हैं भाग्य? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा घुमावदार भी है। ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर किसी का काम बिगाड़ रहे हैं, यार ये कहना थोड़ा टफ है। नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ अपने थोड़े से मुनाफे के लिए या थोड़े से फायदे के लिए। देखो, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी उल्टी हुई है। उल्टी क्या है, देखो हर कास्टिंग डायरेक्टर जब ये काम करता है, ऐसा नहीं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग हैं कास्टिंग में जो क्या करते हैं कि सपोज करो आपको कास्टिंग करना है। जब मैं मुंबई में था तो मैक्सिमम ऑडिशन में था, सबसे ज्यादा फेक ऑडिशन होते थे। वहां आप जाओगे ऑडिशन दोगे, तो ऑडिशन देने के बाद फिर जब आप ऑडिशन दे दोगे तो वहीं के लोग कास्टिंग वाले आपसे बोलेंगे, आपकी फोटोग्राफ देख के बोलेंगे वेयर इज योर पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो किधर है। अगर पोर्टफोलियो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहेंगे पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है तो भी आपसे बोलते हैं कि देखिए इस टाइप की पोर्टफोलियो नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा अलग टाइप का पोर्टफोलियो चाहिए, वो हम आपका बनवा देंगे। उसके बाद सिलेक्शन आपका पक्का, समझिए लगभग हो जाएगा, और उसके लिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्चा आएगा, पहला होता है। सेकंड होता है जी शोरील करवा लीजिए, मतलब आप एक्टिंग का कुछ ऑडिशन टाइप रिकॉर्ड करवा लीजिए, वीडियो बोलते हैं, वीडियो टाइप शोरील का आ जाता है, अब तो उसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया, वो करवा लीजिए। तो इस टाइप से पैसे बना लिए लोगों से, ठीक है, या फिर कहे थे भाई झूठ बोल दिया कि भाई फलाना कास्टिंग में फलाना उसको वहां तक पहुंचने के लिए अगर मैं आपको पहुंचाता हूं तो आपके इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके बदले किसी को भेजा सकता हूं, तो वहां पे पैसे से लिए जाते हैं। ये सब नहीं करते, ये कुछ है जिनका नाम आज की डेट में बॉलीवुड में खत्म भी होता जा रहा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उन लोगों से। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो करते थे या करते हैं, आई डोंट नो, मैं 5 साल से मैं मुंबई से दूर हूं, हम तो उत्तराखंड में ही काम कर रहे हैं, तो ये कास्टिंग वालों का थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन थोड़ा अगर आप सही काम कर रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम पा लेते हैं। तो उसी में हमारे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं, उत्तराखंड से उदाहरण जैसे जितेंद्र बोहरा जी, जिन्होंने हमारी लव कथा में छोटा वो बीटेक चाय वाला कैरेक्टर किया, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा नाम कमाया है। उसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो बसंत भट्ट हो गए जो राधा कृष्ण में बलराम कैरेक्टर कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से कैरेक्टर्स हैं, वो अपने टैलेंट के बेस पे खड़े हैं, ना ही किसी कास्टिंग डायरेक्टर के उनसे कास्टिंग डायरेक्टर के बदौलत वहां पे खड़े हैं। टैलेंट ही आपको आगे ले आता है, टैलेंट अगर ना हो तो वही आपको पीछे करता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बड़ा गर्माया हुआ है, हर आदमी इस पे प्रतिक्रिया जानना चाह रहा है एक दूसरे की। नेपोटिज्म से जोड़ा गया उस पूरे मामले को, मामला जो भी रहा हो, तो आपका क्या अपना विचार या विचारधारा है उस पूरे
समाचार या न्यूज को लेकर? देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, सुशांत सिंह राजपूत क्यों डिप्रेस था ये अभी आप और हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते। बिल्कुल अनुमान मात्र। क्या हुआ है एक्चुअल में ये आपको भी नहीं पता, ये मेरे को भी नहीं पता, ये शायद पुलिस को पता जी, या पुलिस जो छानबीन कर रही है। तो इस मुद्दे पे मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों किया, नेपोटिज्म ही उसका कारण हो सकता है, लेकिन हाँ होता है, इसका फर्क पड़ता है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे समझ नहीं आता कि अर्जुन क्या नाम है उसका, रणवीर अर्जुन कपूर शायद नाम है, अर्जुन कपूर रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर रणवीर सिंह तो अच्छा आर्टिस्ट है। अर्जुन कपूर को शायद बार बार चांस मिल रहा है, या वरुण धवन को तो पता नहीं इंडस्ट्री में क्या क्या बोला जाता है, उनको चांस मिल रहा है, या अनन्या पांडे को अगर बेस्ट फीमेल का अवार्ड मिल जाता है, डेब्यू अवार्ड मिल जाता है, तो उससे भी हम बहुत चकित रह जाते हैं कि क्या इंडस्ट्री में आर्टिस्ट खत्म हो गए। तो इसका फर्क पड़ता है, हाँ नेपोटिज्म है, लेकिन वहीं पर कुछ टैलेंटेड लोगों ने भी अपना नाम खड़ा किया है, उससे भी हम बात हम पीछे नहीं खींच सकते, टैलेंटेड लोग भी आगे बढ़े। कास्टिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया आपने मुंबई में? मुंबई में मैंने कास्टिंग में काम किया था एक, उसके लिए मॉडलिंग कास्टिंग हम लोग करते थे 18 मीडिया वेंचर्स के लिए, कुछ दिन का काम था, ज्यादा बड़ा काम नहीं किया था मैंने, क्योंकि उसके बाद मुझे सडनली किसी कारणवश मुझे वापसी आना पड़ गया था। मैं इस चीज को इसलिए जोड़ रहा था कास्टिंग से क्योंकि मेरा एक सवाल है जो मैं अहम तरीके से पूछता ही रहता हूँ सबसे, कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये केवल ऐसा नहीं है कि फीमेल के साथ होता है, मेल के साथ भी होता है सब। तो हमने भी किससे कहा, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके साथ हुआ हो, लेकिन आप कास्टिंग डिपार्टमेंट में रहे हैं तो सीनियर कास्टिंग डायरेक्टरों के साथ आपका रहना हुआ होगा, तो क्या आपने कभी इस चीजों को देखा कि किसी किस्म कास्टिंग काउच होते हुए? इंडस्ट्री ग्लैमर की है जी, तो ग्लैमर इंडस्ट्री में हर चीज, फिर हर घटनाएं भी घटती है, बिल्कुल हर नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज सारी चीजें होती रहती है जी। तो हम इससे नकार तो नहीं सकते कि कास्टिंग काउच नहीं होता, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मीडिया में आप इतने सारे मुद्दे नहीं बनते, या मी टू कैंपेन करके इतना बड़ा कैंपेन बना था वो शायद नहीं बनता जी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मतलब मेरे सामने कुछ ऐसा क्योंकि हुआ नहीं, क्योंकि जब भी मैं बाद में जाता था उसके लिए ऑडिशन के लिए तो मैं लिंक के थ्रू जाता था, तो मेरे को वैसे भी वो कुछ कहते नहीं थे क्योंकि स्वर्णदीप जी के लिंक से जाता था मैं, तो उनको पता था कि स्वर्णदीप जी के साथ का व्यक्ति है, तो मेरे को इतना परेशानी कभी हुई नहीं, लेकिन होता जरूर है। हाँ होता है कह सकते हैं। मुंबई से आपकी वापसी हो गई आपके अपने शहर, आपकी जन्मभूमि भी है? मेरा ये उत्तराखंड ही है। आपकी वापसी हो गई उत्तराखंड, जन्मभूमि मटकोटा? जन्मभूमि मटकोटा कह लीजिए आप, जन्मभूमि मटकोटा, रुद्रपुर कहिए, रुद्रपुर, मटकोटा तो बहुत छोटा जगह है, रुद्रपुर आपकी वापसी हो गई। हाँ रुद्रपुर वापसी क्यों करना पड़ा होगा एक एक्टर को जो अंदर से बहुत एक्साइटेड था मुंबई जाके अपना करियर बनाने के लिए, जिसके बहुत बहुत सब बड़े सपने थे, जो एक्टर बनने गया था और टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करने लग गया, वो रुद्रपुर वापसी किन वजहों से करता है? इसका मैं आपको एक आंसर देता हूँ जी। मुंबई में रहना बड़ा टफ जॉब हो जाता है जी, जब आप एक्टिंग फील्ड से हैं तो बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि आपको खर्चे इतने सारे आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, और अगर आप गलती से आप एक्टिंग लाइन में हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फिर टफ हो जाती है, क्योंकि मुंबई का आपको टीवी इंडस्ट्री का एक रूल है छोटा सा आपको बताऊं, टीवी इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होगा, टीवी इंडस्ट्री में क्या होता है, रूल आफ्टर 3 मंथ बाद पेमेंट मिलती है, अगर आपने आज के डेट में आज के दिन का कोई काम किया है ना तो इसकी पेमेंट आपको 3 महीने बाद मिलेगी, ठीक है, जिस दिन आपने काम किया उसके 3 महीने बाद, तो उस 3 महीने को भी काटना है, हर महीने आपको काम कितना मिल रहा है वो भी आपको देखना है, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा वो भी आपको देखना है, फिर आपका रहने का देना है, खाने का देना है, चलने फिरने का देना है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लस मेंटेन करना है अपने आप को, जिम करना है। अच्छा मेरे साथ समस्या क्या हो गई थी कि मेरे को क्योंकि मेरी मदर और मेरे ब्रदर ही जॉब करते थे उस टाइम में, मेरा भैया चंडीगढ़ में था, मेरी मदर ही जॉब करते थे उस टाइम में, हम लोग का क्योंकि मैं एक्टिंग सीखने से लेकर मुंबई पहुंचने तक
मेरा खर्चा हुआ, फिर लगभग 3 साल में मुंबई में रहा, कभी खुद कमाया कभी इनकम, बहुत महीनों महीने इनकम नहीं आई। तो इसके बाद तो काफी प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम होने के बाद क्या है कि पैसे काफी शॉर्टेज होने लग गया जी। तो मेरे को फिर भैया से मेरी बात हुई थी, भैया ने कहा था कि कुछ दिन के लिए वापसी आ जा, पैसे का अरेंजमेंट और बाकी चीज देख लेंगे, फिर वापसी आप चले जाइए। तो मजबूरन वश ये मेरी मजबूरी थी कि मेरे को जस्ट मेरे को वापसी आना पड़ा। फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, जब वापसी करेंगे तो 3-4 महीने हम भी जॉब कर लेंगे, 30-40-50 हजार रुपये कमा लेंगे, और कमाने के बाद वही पैसे लेके और कुछ पैसे लेके हम मुंबई आ जाएंगे। तो ये छोटा सा हमने प्लान करके आए थे। पता है आपका सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा आंसर ये लगा कि आपने बिल्कुल फेयर बोल दिया कि मेरे पास पैसों की शॉर्टेज हो गई। ज्यादातर एक्टरों से आप बात करेंगे ना तो वो ये कहेंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत नॉर्मल सा रेयर सा आंसर है कि सब कुछ एक टालना है, तो आप कह दीजिएगा वहां का पानी सूट नहीं कर रहा था, तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हमें घर आ गया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तबीयत भी खराब होती है, ऐसा नहीं है। लीवर मेरा भी इन्फेक्टेड हुआ था वहाँ के पानी से, बट लीवर इन्फेक्टेड होना मेरा मेन रीजन नहीं था, क्योंकि जहाँ पे आप ना एक खुद से प्रॉमिस करके जाते हैं ना, तो आपको ये सब छोटी मोटी चीज आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, पैसा वहाँ पे बड़ा हो जाता है। पैसे की प्रॉब्लम हुई थी मेरे को। रुद्रपुर आ गए आप, आपने सोचा 3-4 महीने जॉब करूंगा, जॉब हुआ वो या नहीं? मेरे को जॉब नहीं मिली, मैंने बहुत ट्राई किया यार। मैं आपको सही बताऊं दीपक भाई कि मैं शोरूम गया, सोर्स लगाया, इवन मेरे को 5-7 हजार आ रहा है कि जॉब मिल जाए किसी शोरूम में सेल्स का भी, क्योंकि सेल्स का अनुभव था मेरे को, कर लेंगे, मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पैसा कमा के मेरे को वापसी जाना है, तो मेरा टारगेट था। भाग्य पता नहीं मेरे को कहां लेके जा रहा था, भाग्य ने मेरे को नौकरी लगने ही नहीं दिया, नौकरी उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी नौकरी नहीं लगेगी आपकी भाग्य। अच्छा नौकरी ना लगे मैं तो परेशान कि भाई पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वापस कैसे जाएंगे, और वापस नहीं जाएंगे तो भाई अपना सपने की तो लग गई, फिर कैसे होगा तो फिर काफी। तो उसके बाद एक दिन मेरे भैया नहीं, देखिए मेरे आज मैं जहां पर भी हूं ना, वहां पहुंचने का जो सबसे बड़ा जो जैक कहेंगे, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सपोर्ट है, वो मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया है नहीं, जहां पे हूं वहां तक मेरे को लेके आए। तो जब मैंने भैया के पास बैठा, भैया ने मेरे कहा कि फोन पे ही कह दिया था मेरे को, भैया चंडीगढ़ थे, तो मैंने भैया का जिक्र बार बार आ रहा, नाम का जिक्र कर, देवेंद्र दीक्षित हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है, पत्रकार है। तो मेरे बड़े भैया ने मेरे को फोन पे सजेस्ट किया कि देखिए आप फिल्म इंडस्ट्री के ही हो और सीख के भी आया है, तो भाई कुछ दिन एक काम कर, जब तक तो यहाँ पे है अपना कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करो, शॉर्ट फिल्में करो, छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहो, टाइम पास भी होता रहेगा, सीखते रहोगे, वहां जाओगे तो अनुभव लेके जाओगे ना। तो भैया के कहने पर फिर हमने थोड़ी कमर कसी और चलो जी शुरू करते हैं, लग गए मुहिम खड़ा करने में। हाँ, मतलब मेरे को इतना बड़ा कुछ मैंने प्लान नहीं किया था कि उत्तराखंड रह करते बड़ा प्रोडक्शन हो जाएगा, जस्ट एक स्टार्टिंग किए थे कि सोचते चलो कुछ फिल्में उनमें बनाएंगे और शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, कॉम्पिटिशन में भेज देंगे, और या फिर अवार्ड जीत लेंगे। अवार्ड का भी नहीं था कि बना लेंगे, पहला टास्क था बना लेंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन में भाई प्रोफेशनल लोग हैं, सालों साल प्लान है, कैसे होगा। तो इस विचार से हमने फिर अच्छा, अब सेकेंड टास्क क्या था कि चलो जी प्रोडक्शन बनाना बहुत बड़ी बात है, भाई टीम में किसको रखोगे, रुद्रपुर में तो होता नहीं है, सबको यकीन दिलाना, यकीन तो बात की चीज है, पहली बात तो फिल्म बनती कैसे किसी को पता ही नहीं, एक मेरे को पता बस। तो क्या किया फिर, कुछ लोगों का स्लम से, यस कह लो आप जो भी कहो, पैदल निकलते थे, एक बैग टांगा, टी शर्ट पहना, पैदल निकले और चलो जी टीम ढूंढते थे यार काम कराने के लिए, मतलब साथ में मिलके काम करेंगे तो उसके लिए हमको एक टीम चाहिए सबसे पहले, अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ता भाई, कॉस्ट्यूम वाला भी चाहिए भाई, कास्टिंग वाला भी चाहिए भाई, डायरेक्शन वाला भी चाहिए भाई, एडिटर भी चाहिए भाई, सबसे बड़ी दिक्कत कि पैसा भी नहीं है, और पैसा भी नहीं है यार। तो बड़ा टास्क हुआ उस टाइम में, क्या करे कैसे करे। तो बड़ी दीदी कहते हैं, अनीता सिंह है जी, ये इस पे आप थोड़ा सा डीपली बताइएगा, क्योंकि यही वो दौर था जहां से आपका परिवर्तन चालू हुआ है,
अनीता जी की जिंदगी। अनीता, क्योंकि अनीता दीदी को मैं अनीता सिंह है, वो दीदी कहते हैं, बड़ी दीदी है। तो अनीता दीदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनसे मुलाकात मेरी थिएटर टाइम पे हुई थी, मैं थिएटर करता था शैलनट के साथ, तभी से उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने काफी मेरे को सपोर्ट भी किया था शुरू से। तो जब इन्होंने एक पक्ष लेकर आए थे कि एक प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए था प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लोगों ने हंसे हमारे ऊपर, बहुत हंसे लोगों ने कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, प्रोडक्शन खोलेंगे। तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मैं घर से तो फाइनेंशियली वैसे ही मैं बहुत डाउन हो चुका था, क्योंकि जब मैं वहां रहता था मैं कम पड़ता था पैसा, तो घर वाले कर्जा वर्जा करके भेजते थे मेरे को कि किसी ब्याज पे ले लिया, अपनी सैलरी उठा के भेज दी। तो मेरी मदर भेजा करती थी, मेरा ब्रदर भेज दिया करता था, तो वो भी काफी लॉस में चल रहे थे। तो पैसे का प्रॉब्लम था, ये भाई पैसा कहाँ से आएगा, बड़ा मतलब अलग हो गया मामला, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। चलिए, तो फिर उस टाइम में अनीता दीदी ने, अनीता सिंह जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया थोड़ा बहुत जितना वो कर सकती थी अपने उससे, और उसके बाद उन्होंने मोरल सपोर्ट, सबसे जरूरी होता है मोरल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट उन्होंने बहुत। ऐसा क्या यकीन दिला दिया आपने कि उनको इतना भरोसा हो गया कि नहीं अमित दीक्षित कुछ कर सकता है? देखिए, ऐसा हमने कुछ सिखाया या पढ़ाया नहीं, एक विश्वास होता है। आपकी माता को आपके ऊपर बहुत विश्वास होता है, बिल्कुल, कि आप मेरा बेटा सबसे अच्छा और मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। वो विश्वास कहाँ से आता है, क्या पट्टी पढ़ाते हैं, कुछ पट्टी पढ़ाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो एक प्रेम होता है जो विश्वास आपको दिलाता है। अनीता दीदी मेरे लिए एक माँ के समान है, मेरी माँ जैसी है। तो एक बच्चे को अपनी माँ को भरोसा दिलाने में या फिर उनको उसके लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बस अपने सपने बताए कि ये करना है, उन्होंने कहा हाँ ही भरी, चलो करके देखते हैं। और हम लोगों ने प्रोडक्शन एक ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया था। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 3 साल का ट्रायल मांगा कि हम लोग 3 साल ट्राई करेंगे प्रोडक्शन को, 3 साल में अगर ये प्रोडक्शन ना नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग काम करेंगे, ये हम लोगों ने तय कर चुके हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग काम करेंगे, अगर इस प्रोडक्शन ने प्रॉफिट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जहां हम काम कर रहे थे हम लोग वहीं चल देंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन ने इनकम दे दिया तो इसको कंटिन्यू करें। तो इस एक के साथ हमने शुरू किया था। फिर पहली फिल्म हमने शूट की गुल्ली डंडा, मैंने देखी, तो गुल्ली डंडा शूट किया, फिर धीरे धीरे जी गैंग शूट किया, गाने वाने शूट किए, एडवर्टाइजमेंट शूट किया, फिर सिनेमा क्यूब सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद हम लोग सिनेमा एडवर्टाइजमेंट्स के साथ हम लोग एडवर्टाइजमेंट पोर्टल पे उतरे। इतनी तेजी से तो नहीं हो रहा होगा जितनी तेजी से आप बता रहे होंगे, बहुत? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत टाइम लगता है, अच्छा खासा अनुभव आपको, क्योंकि इस पूरे पहली 2 मूवी को करने के लिए हम लोग को पूरा 1 साल लग गया। गिल्ली डंडा और जी गैंग, जी गैंग, हाँ, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद फिर बाकी एडवर्टाइजमेंट लाइन में उतरते उतरते हम लोग को लगभग हो गए थे 2-2.5 साल हो गए थे, तब हम लोग पहली बार एडवर्टाइजमेंट लाइन में उतरे थे। हमारे लिए इनकम जरूरी ये था कि उत्तराखंड में रह के अगर फिल्म मेकिंग कर रहे हो, देखो ना आपके पास पर्दा है कोई जहाँ दिखा के आप पैसे कमाओगे, ना आप उस चीज का टिकट ले रहे हो, तो आप इनकम कैसे करोगे भाई, चलोगे कैसे भाई? भाई भूखे पेट तो काम नहीं चलता ना, खाना तो खाना ही, भाई खाना तो खाना ही है भाई, खुद नहीं खाओगे तो भाई तो सेट पे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको तो खिलाओगे ना, तो वो जरूरी था। तो उसके लिए पैसे कमाना जरूरी, पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो एक ही रास्ता मिला, एडवर्टाइजमेंट। तो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में काम करना हम लोगों ने शुरू किया कि एडवर्टाइजमेंट लाइन में हम लोग काम करते। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जा रहे थे, आप लोगों से एडवर्टाइजमेंट मांग रहे थे, आप कह रहे थे आप हमें दीजिए, ये एक भरोसा कि आपके ऊपर कोई क्यों आपको ऐड दे, आपके ऊपर कोई क्यों, क्योंकि बेसिकली ऐड देने का मतलब है कि वो पैसा देगा आपको, है ना? क्यों, कैसे भरोसा एक आता है कि आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आपका नाम दूंगा उसमें और लोग आपको पैसा दे रहे होते हैं? देखिए, जो भरोसे वाली आप बात कह रहे हैं ना, भरोसा आता है हमको खुद से। किसी व्यक्ति को भरोसा दिलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं जी। दूसरी बात, नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है ना,
हम लोग एक दूसरे का वाइब्रेशन पकड़ते हैं, एक दूसरे का मुंह देख के मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है, चालाक है, क्या करना चाह रहा है। एक सच्चाई साफ थी, नियत साफ थी हमारे पास। दूसरी बात, हमारी बातों में इतना कॉन्फिडेंट लेवल, क्योंकि मेरे को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था, तो मेरी बातों वही कॉन्फिडेंस हमारी बातों में आता था, और वही कॉन्फिडेंस के को लेके हम सामने क्लाइंट्स के पास बैठते थे और बताते थे, सर ये ऐसा है, हम लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप हमें एक बार दीजिए। पहला एड मिलना बड़ा टास्क था, शुरू से पहला एड मिलना बहुत टास्क था कि कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ा, क्योंकि हमारे पास अब किसी के पास हम ऐड के लिए जाएं तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि भाई तुमने पहले क्या काम किया हो, ये पहले कुछ काम किया नहीं है, जब पहले आपने काम नहीं किया तो भाई आपको ऐड कैसे दें, पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बड़ा टास्क था कि आप पहले काम करो, काम करने के लिए भाई साहब कोई ऐड तो चाहिए ना, काम शुरू कहाँ से करें। तो इसी दौरान फिर धीरे धीरे काम मिलने शुरू हुआ। सबसे पहला ऐड हम लोगों ने किया था, मैं आपको बताऊं, हाँ, लाइफ का पहला ऐड हम लोगों ने किया था इंडियन मेडिकल एजेंसीज के लिए, अजमोद्रस गुलशन बैठला साहब, बहुत बढ़िया साहब। आपको बताऊं, उनके मेडिकल एजेंसी में मैंने भी जॉब किया। अच्छा, ग्रेट, बहुत ग्रेट पर्सन, बहुत ग्रेट पर्सन बाटला जी ने, क्योंकि उन्होंने बाटला जी के एक बार बड़े अच्छे लगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, उन्होंने बस देखा, बातों को देखा, बातों को देख के उनको कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि दिल्ली से लेकर हर जगह बात कर रहे थे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कि हमें एक एड शूट करना है। उस समय में रुद्रपुर से मैं अमित दीक्षित में वहां गया कि सर आप हमें दीजिए, हम आपका एड शूट करके देंगे। भरोसा बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने किया। एक सवाल है मेरा जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि ये चीजें आनी चाहिए। पहला जो ऐड था आपका, कितने पैसे चार्ज किए थे आपने उसके लिए? पहला ऐड था, मैंने उसके लिए लगभग 20,000 रुपए मैंने चार्ज किए थे। वो आराम से उन्होंने आप पे भरोसा करके 20,000, जो कि रुद्रपुर के लिए मुझे अभी भी लगता है बहुत बड़ी रकम है, जहाँ लड़के सात सात आठ आठ की जॉब करते हैं, आपको लगता है 2.5 या 3 महीने की सैलरी है किसी की? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ना, क्योंकि हमने जो काम करके भी दिया था वो काम लगभग मार्केट में 80,000 से 90,000 रुपए का हो रहा था, उसको हम लोगों ने 20,000 रुपए में करके दिया था, और क्वालिटी और सब चीजों के मामले में बाटला जी को वो एड बहुत पसंद आया था, और उस एड ने काफी उनको प्रॉफिट भी दिया था, तो इसीलिए वो पहला अलाउ था, और हमारे लाइफ में उन्होंने बाटला जी ने बहुत सहयोग किया था। उसके बाद फिर जनविस्ता मई तक का ऐड किया, फिर आज के रेट में हम लोग अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो प्रमोशन एक्टिविटी हम लोगों ने बंसल ज्वेलर्स से लेकर तनिष्क पीसीजे और इन लोग के लिए सिनेमा एडवर्टाइजमेंट में प्रमोशन का काम बहुत किया हम लोगों ने, वेब सिनेमा का सारा काम, एडवर्टाइजमेंट का पूरा काम हम लोग देखते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वो होता है क्या कि फिल्म में चलने से पहले जो एड चल रहे हैं, फिल्म चलने से पहले या इंटरवल में, इंटरवल में जो एड चलते हैं, उसका पूरा इंस्टॉलेशन से लेकर मार्केटिंग का पूरा काम हमारी कंपनी लोजस प्रोडक्शन। मतलब कि आप पीसीजे, मतलब पीसी ज्वेलर्स का आप एड बनाएंगे और फिर आप वेब सिनेमा से बात करेंगे और आप मूवी स्टार्ट होने से पहले एड चलवाएंगे और इंटरवल में एड चलाएंगे, आप इसके पैसे चार्ज करते थे बेसिकली एड बना के खुद। यही है बात। हाँ, उसके बाद दौर बढ़ता रहा, काम होता रहा, कितने साल हो गए थे आपको यहाँ तक पहुँचने में? लगभग मेरे को हो गए थे 3-4 साल। छोटू चाय वाला जो फिल्म थी जिसके डायरेक्टर थे नाहिद खान साहब, मेरे बड़े अजीज, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपके बहुत अजीज, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, तो छोटू चाय वाला का जिक्र एक बार हो जाता कि क्योंकि बहुत बहुत कम लेंथ की फिल्म, बहुत कम टाइम में, और जो आपने चीजें दिखाई हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, तो क्या था उसका बनने का लॉजिक और ये सब? एक्चुअली यश फाउंडेशन का एक कंपटीशन हुआ था। हाँ, यश फाउंडेशन ने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन किया था ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन कंपटीशन के अंदर हम लोग को रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर में एक सब्जेक्ट आता है जिसको हमें 3 दिन के अंदर बना के एडिट करके उसको अपलोड करके उसका लिंक हमें सबमिट करना होता है। तो हम लोगों ने उस फिल्म को, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था तो हम लोगों के पास टास्क आया था एवरीडेज हीरो, रोज का हीरो। तो उस चीज को देखते हुए फिर हम लोगों ने काफी स्टडी की, स्टडी करने के बाद एक छोटू चाय वाला करके हम लोगों ने एक जर्नी बनाई थी एक बच्चे की, जो उसके माता जिसके पिता का देहांत हो गया और वो घर चलाने के लिए मतलब किस तरह अपना परिवार का पोषण करता है चाय पिला के, तो उस चीज को बताया गया था उसके अंदर। तो उसमें नाहिद खान जी से हमने कहा था कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए,
सर ने सपोर्ट किया था, तो स्टोरी लिखने में सपोर्ट किया, शूटिंग के टाइम में सपोर्ट किया था, उसको हम लोगों ने शुरू किया और बकाया डायरेक्शन उन्होंने किया था। ये फिल्म अवार्ड जीत पाई थी या? नहीं नहीं नहीं, नहीं अवार्ड नहीं जीता, लेकिन लगभग 65,000 से 70,000 लोगों ने अभी उसे यूट्यूब में देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। मुंबई से आ गए, प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट में आ गया प्रोडक्शन हाउस? प्रॉफिट किस टाइप का प्रॉफिट आप कहना चाहेंगे? नहीं, आपने कहा ना नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे थे। सर 5 साल से ज्यादा हो गए प्रोडक्शन को, 5.5 साल हो गए, तो वही मतलब आंसर मिल गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, टास्क कितने साल का था? टास्क 3 साल का था। 5.5 साल हो गए। तो उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, लव कथा। लव कथा काफी ट्रेजेडी मैंने तो सुना है इसके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लव कथा, जिसके आप करता धरता डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी मैं आपको ही मानता हूँ, चाहे जो भी पीछे का लॉजिक हो, बिजनेस लॉजिक, राइटर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब पूरे डिपार्टमेंट, 28 डिपार्टमेंट होते हैं, सारा कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी है, प्रोडक्शन हेड से लेकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप वहां एज ए डायरेक्टर काम कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपका था, आप इसके लिए दिल से लगे हुए थे। यकीन लोगों को हो नहीं रहा था कि लव कथा वेब सीरीज, पहला वेब सीरीज उत्तराखंड में कोई बन रहा है, लोगों को लग रहा था ऐसा ही है सब हवा हवाई बातें, शॉर्ट फिल्म में आती वैसी बनेगा। लेकिन वेब सीरीज बनी ही नहीं, रिलीज भी हुई, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, कहां से आया पहली बार ख्याल और कैसे कैसे क्या चीजें? देखिए इसके लिए ख्याल क्या आना था, जिस लाइन में हम लोग है ना, देखो आप किसी भी लाइन में अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे ना, अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो इंडस्ट्री आपको खा जाएगी। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आप टाइपराइटर को किसने खाया? कंप्यूटर आ गए ना, बिल्कुल, वो अपग्रेड नहीं कर पाए तो भाई खा गया, याहू खा गया, अपग्रेड नहीं कर पाए अपने आप को। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अगर आप नोकिया अपग्रेड नहीं किया अपने टाइम से अपने आप को, तो जो नोकिया मार्केट में अपने नाम से बिकता था एक वक्त में, जब वो स्मार्टफोन लाने में उन्होंने देरी कर दी तो मार्केट से उनका नाम खत्म हो गया। अब वो दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वक्त हमेशा आपको कुछ ना कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है। शॉर्ट फिल्में कर चुके थे, पंजाबी गाने कर चुके थे, हम सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये था ना कि देखिए आने वाला जो समय है, जिस तरीके से इंडस्ट्री आपकी मोबाइल की ओर कन्वर्ट हो रही है, सारी इंडस्ट्री आप देख रहे हैं ना, सिनेमा, टेलीविजन, एक उससे बड़ी इंडस्ट्री आ गई है मोबाइल। हर एक ही ऐसा, ये एक ऐसा टेलीविजन है जो व्यक्ति के साथ चलता है, तो आपको उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है समय के साथ। आने वाला समय ऐसा हो चुका है जहाँ पे सिर्फ दो तरह के लोग ही सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे, सबसे ज्यादा सर्वाइव करेंगे। पहले आएगा सबसे लोअर क्लास, वो लोग जो नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए, कहीं के लिए भी, आप हम जैसे लोग नहीं, अभी आप जिसे अभी आप कर रहे हैं, आप नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, एक वक्त में अगर आप प्रॉफिट में आप उतरोगे, ठीक है, अभी आप नॉन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने देखा या कितने लोगों ने नहीं देखा, या क्या उसका इनकम सोर्स कितना आया कितना गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप अभी मेहनत कर रहे हैं बस, अपने आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा डिमांड पे रहेगा वो रहेगा प्रीमियम क्लास। हर व्यक्ति अपना टाइम बड़ा कीमती है ना, वो देगा तो प्रीमियम कोई, तो आपको दो ही आपके पास सेगमेंट है, मिड वाले हमेशा कुछ ना कुछ, मिडिल क्लास हमेशा पिसता है, समझ रहे हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, मिडिल क्लास हमेशा पिसता है। इसके लिए आपको या तो अपर में आ जाओ या डाउन में चले जाओ, बात खत्म। तो हम लोग को अपर में आना, अपर में आने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो अभी की डिमांड है। देन फिर एक प्लान आया, क्योंकि इंडस्ट्री वेब सीरीज या कल्चर में आ चुकी थी, वेब सीरीज लोगों ने जानना शुरू कर दिया था, है तो बहुत पुराना कल्चर, लेकिन लोगों ने जानना शुरू कर दिया सैटरडे के बाद कि वेब सीरीज नाम की भी चीजें होती है जिसको आप इंटरनेट में एक स्टोरी को पूरी देख सकते हैं। तो एक ख्याल आया कि एक स्टोरी भी थी हमारे पास, एक बड़ी स्टोरी थी जिसको शॉर्ट, अगर शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट फिल्म अगर हम करते हैं तो भी वो मजा नहीं दे पाएगी, तो हम लोगों ने प्लान किया उसे क्यों ना एपिसोड वाइज एक वेब सीरीज के माध्यम से पेश करते हैं। तो एक प्लान था जस्ट जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। वो प्लान कब साकार हो गया और कब लोगों को पसंद भी आ गया पता नहीं चला, एक साल कैसे बीता तो पता नहीं। तो ये सारी चीजें हुई फिर बनी, क्या बजट रहा होगा आपके इस वेब सीरीज का? ये
मैं आपको पहले इसके लिए बोल दूं कि ये सारी चीजें वो नहीं की जाती है आउट की क्या बजट और क्या, लेकिन ठीक है फिर भी मैं सिर्फ उस यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ जो मतलब पीछे से काम करने कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे फिल्म में ना 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 करते करते भी 9.5 से 10 लाख रुपए इसका जो बजट है, स्पॉन्सर्स के होते हुए सारी चीजें होते हुए 9-10 लाख रुपए आपने लगा दिए और वेब सीरीज तो बहुत चला जो भी है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि प्रमोशनल एक्टिविटीज का भी इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि लॉकडाउन का आखिरी एपिसोड हमारा 18 मार्च को आया। हमने प्रमोशन एक्टिविटी बहुत सारे प्लानिंग कर रखे थे कॉलेजेस से लेकर इवेंट्स, अब इस कोरोना देव के चक्कर में सब कुछ बंद पड़ गया, हमारा प्रमोशन भी धरा का धरा रह गया। क्या प्रमोशन होना था आपका? कॉलेज इवेंट्स होने थे कई हजारों लोग बच्चों के बीच में इवेंट्स और सारी चीजें होनी थी जिनका हमने प्लानिंग कर रखी थी, तो COVID-19 के चक्कर में सारे कॉलेजेस बंद हो गए, पूरा दुनिया लॉकडाउन में चले गई। अभी भी हम लोग उतना कुछ नहीं कर सकते जितना चाहते हैं, तो ये समस्या रही, लेकिन ठीक है समस्या है तो परिणाम उसका फिर सोल्यूशन भी होता ही है। देखिए इस इंटरव्यू से पहले आपसे और हमारे संबंध पुराने हैं आपके और हमारे, तो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को आप रन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आए और गए, आप पुराने ट्रेजेडी में लगे हैं, पुरानी चीजों को बनाने में लगे हैं, आप लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपकी बातें लगभग आपकी लव कथा की कहीं ना कहीं निकल के आती है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप पहले ऐसे हैं जो वेब सीरीज आपने बनाया है, लोग अभी भी उसी उसमें हैं, शॉर्ट फिल्में एल्बम्स और कवर सॉन्ग वहीं अटके पड़े हैं, आप एक नया लेके आए। तो हर आदमी ये कहता है कि गाली गलौज बहुत भर दिया आपने, रोडी जैसा बिल्कुल बना दिया, कि रोडी इसलिए गाली गलौज भरा गया कि मुझे लगता है क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी या वो चाहते थे कि हमारे शो के बारे में बात हो, जो कि ऐसा हुआ भी, रोडीज की बात होती है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे चैनल पे आता है, बहुत बड़े चैनल पे आता है, बहुत अच्छा कास्ट होता है, क्रू है, बहुत अच्छा जजमेंट करने वाले लोग बहुत पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की वजह से वो यूथ में बिल्कुल वो आ गया। क्या वहां से इंस्पायर हुए थे या क्या रहा कि गाली गलौज इतना भर दिया आपने? देखिए इसके दो आंसर मैं आपको देता हूँ जी, अलग अलग जी। लोगों को गाली गलौज दिख रहा है जी, अब हर गाली के जगह अगर हम लोग फक डाल देते तो वो कूल, बिल्कुल गजब, फक मैन वो कूल, क्या गजब। अच्छा उसी को हमने अगर थोड़ा हिंदी में बोल दिया तो अरे यार जी गाली डाल दी, तो लोगों के दिमाग में जो इंग्लिश का भूत भरा पड़ा है ना कि अंग्रेजी 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 में चीजें कूल लगती है, हिंदी में बकवास लगती है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि आप नॉर्मल चीज बताइए, कोई भी नॉर्मल मूवी आप देखते हैं क्या इंग्लिश का फक नाम का वर्ड आता है? नहीं आता है, बिल्कुल। आप वहां पे ऑब्जेक्शन आपको नहीं होता, क्यों? वो इंग्लिश में ना, हमने हिंदी में बोल दिया किसी को चूतिया तो प्रॉब्लम हो गया, अरे यार कैसे बोल दिया। दूसरी बात देखिए, वेब सीरीज का कल्चर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेब सीरीज का कल्चर क्या है। वेब सीरीज का कल्चर ऐसा है जिसमें हम बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों को दिखाते हैं, जमीनी हकीकत जो बिल्कुल रियल में चल रहा है उस चीज को हमें प्रेजेंट करने का मौका मिलता है वेब सीरीज में, और हमने उसी उस फिल्म के अंदर हमने उन्हीं सभी चीजों को हमने ओपन रख दिया कि सर एक आप बताइए, आपका दोस्तों का ग्रुप है, आपके दोस्तों के ग्रुप में कौन श्रीमान करके बात करता है भाई, शायद छुट्टा गाली निकलती है, तो हमने उसी को स्क्रीन पर दिखाया, प्रॉब्लम क्या है? हमने सही चीज को स्क्रीन पर दिखा दिया। दूसरी बात, अगर जो लोग कह रहे हैं कि गाली गलौज बहुत भर दिया, तो उनको मैं एक बार सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, पाताल लोक, ये असुर, ये वेब सीरीज देखिए, देखने के बाद आपको शायद हमारे फिल्म की गालियां मीठी खीर लगेंगी, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इस कल्चर में तो उतरिए। आपके जो लव कथा है 6 का 6 एपिसोड मैंने देखा, जब देखा मैंने आपको रिप्लाई भी किया, कहा क्या चीजें आई जो मैंने मेरे नोटिस में आई। सबसे जो मेरा फेवरेट किरदार रहा पन्नू, सेकंड में जो उसमें बॉबी का किरदार है वो तो हमारे स्कूल मेट थे, मेरे सीनियर थे, उनको तो पहले से ही जानता था। उसके अलावा जो वो आर्यन भाई थे, तो जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, दो ही करेक्टर अट्रैक्ट किए थे मुझे, एक तो सिद्धांत का करेक्टर जो आपने खुद किया था और दूसरा पन्नू। तो ये पन्नू साहब आपको कहाँ से मिल गए? ऐसी कास्टिंग मतलब एक समझ रहे हैं आप मतलब उनके नाम से हंसी आ जाती है ये दोनों जो करेक्टर था सिद्धांत और पन्नू, ये एक्सीडेंटल करेक्टर थे। एक्सीडेंटल करेक्टर क्या था मैं आपको बताऊं? अच्छा बात करते हैं मेरी कास्टिंग कैसे हुई।
कई लोगों को लगता है कि पैसा लगाया है तो भाई कास्टिंग में खुद को कर लिया हीरो में, अरे ऐसा नहीं है। मैं आपको रियल बताऊं हुआ क्या था, जब हम लोग स्क्रिप्ट हम लोग स्टोरी आई हमारे हाथ में, स्टोरी आने के बाद हम लोग क्या करते हैं पूरी टीम के सामने डिस्कस करते हैं किसी भी स्टोरी को कि सर ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर्स है और ये कहानी लाइनअप चल रही है, जिसमें कैमरामैन बैठेगा, क्रिएटिव डिपार्टमेंट का व्यक्ति बैठेगा, क्रिटिक्स वाला बैठेगा, हर तरह के मतलब ओवरऑल कॉस्ट्यूम से लेकर एडिटर से लेकर सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, सब प्लान करते हैं, सब देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। हमने सबके सामने रखा तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो ए वतन तेरे लिए के राइटर थे मिस्टर असलम कोहरा जी और हमारे जो सिनेमाटोग्राफर हेड सिनेमाटोग्राफर प्रिंस मार्टिन जी, वो स्टोरी को सुने, सुनने के बाद दो मिनट ऐसे देखते रहे, ऐसे देखते रहे, हमको देखे खुशबू करे, मेरे को देखे खुशबू करे। तो मैं कहा कि व्हाट, क्या हुआ? तो बोले कि यार अमित भाई ये यार ये सिद्धांत वाला कैरेक्टर तुम करो यार। तो मैंने कहा पागल हो गए हो क्या यार, मुझे डायरेक्शन करना है भाई, मैं डायरेक्शन वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक्टिविटी मत डालो, वैसे भी मेरी एज उस टाइम थोड़ा ज्यादा मोटा था मैं जिस टाइम स्टोरी की बात हो रही थी। तो बोले कि मैं कहा मोटा ज्यादा दिखता हूँ, प्लस यार वो 21 साल का लड़का लगना बहुत यार, 27-28 साल का हो गया हूँ, 21 साल का लौंडा लगना तुम मजाक की बात कर रहे हो क्या, कैसे होगा? तो बोले नहीं तुम करो, जो करेक्टर का जो भोलापन है वो तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है, जो हल्का सा मोटा चाहिए वो तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है, तुम्हारे बॉडी पे आ रहा है, और जो लास्ट के जो आपने 6th एपिसोड देखा होगा जिस टाइप के इमोशंस है 6th एपिसोड में, बोले वो इमोशन भाई आप ढूंढते रह जाओगे उत्तराखंड में, आपको आर्टिस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उस इमोशन के बारे में आप ज्यादा जानते हो, आप किसी को समझाओगे पता नहीं कितना समझे। तो मेरे को कहा गया तो मैंने मना कर दिया था कि सर मैं नहीं करूंगा, हम आर्टिस्ट ढूंढेंगे इसके लिए, लीड कैरेक्टर के लिए। फिर लगभग पूरी टीम ने 5-6 दिन बड़ा मोटिवेट किया मेरे को, बोला भैया मेकअप से कर लेंगे, इससे कर लेंगे, आपका एज का और एक्टिंग आप करो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बड़ा मोटिवेट किया, कर लोगे भैया आप। तो एक डर होता ना कि मैं डायरेक्शन तो चलिए कर लेता हूँ, एक्टिंग करना कैमरे के सामने आके बड़ा टास्क हो जाता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मोटिवेट किया गया मेरे को, तो हमने कहा चलिए ठीक है सर शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि सबसे पहले लास्ट का सीक्वेंस शूट हुआ तो 6 महीने लग गए थे दाढ़ी वाड़ी को बढ़ाने में, उस टाइम में बड़ी करने में, तो उसमें लग गए थे। फिर पन्नू का कैरेक्टर, एक्चुअली पन्नू एक कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर था उसको, क्योंकि जो संदीप रहा वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है एक्टिंग में। अच्छा, संदीप नाम है पन्नू जी का? संदीप रावल नाम है, तो मेरा एक्टिंग में स्टूडेंट रह चुका है काफी टाइम से जानता हूँ। तो फिर उसका एक जहन में आया दिमाग, हमारे रिंग्स मार्टिन जी ने ही, दोनों कास्टिंग रिंग्स मार्टिन जी ने किया, उन्होंने कहा कि यार वो संदीप से करवाओ यार, ये करेक्टर अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा बुलाओ। तो उनका हरियाणवी टच से हम लोग को थोड़ा सा फील में आ रहा था कि हल्का सा हरियाणवी टच होना चाहिए, मजा आ जाएगा। तो वो कैरेक्टर एक्चुअल में कैरेक्टर बनाया नहीं गया है, वो पन्नू रियल में वैसा ही है, हमने उसी कैरेक्टर को स्क्रीन पे उतार दिया, वो जैसा रियल में है मस्ती खोर, हमने पूरा वही मस्ती खोर हमने उसको उस फिल्म के अंदर दिखा दिया। तो ये दो कास्टिंग की बड़ी कहानी रही है। तीसरी रही आर्यन की कास्टिंग, आर्यन जितना कैरेक्टर में दिखाया गया है आर्यन उसका उल्टा है। आर्यन अपने जबान से कभी गाली नहीं निकालता, कुंज शर्मा नाम है, और फिल्म में हमने उससे बहुत गालियां निकलवाई है, तो उसके लिए बड़ा उठ पटांग वाला कैरेक्टर हो गया था, उल्टा जस्ट उसके अपोजिट हो गया था। ये कास्टिंग की कहानी थी तीन कैरेक्टर। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आ गया है इसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये सिनेमा को खत्म कर देगा? नहीं देखिए ये गलत, ये क्वेश्चन ही गलत है, कोई इंडस्ट्री किसी के वजह से खत्म नहीं होती। देखिए सिनेमा की अपनी अलग इंडस्ट्री है, क्या कबड्डी के आने से खो खो खत्म हो गया क्या? नहीं, खेलते तो ना। सिनेमा इंडस्ट्री का अलग है, सिनेमा इंडस्ट्री अगर आपको किसी मूवी का एंजॉय करना है, चाहे साउंड सिस्टम हुआ, चाहे स्क्रीन हुआ, एक माहौल हुआ, वो एंजॉय आप सिनेमा के अंदर ही कर सकते हैं। तो सिनेमा की इंडस्ट्री एक अलग जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वो होता है कि आप जब चाहे जहां चाहे वहां मर्जी बैठ के आप अपनी फिल्में देख लीजिए और किसी कहानी को बहुत बड़े रूप में देख लीजिए, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म वो काम करता है। टेलीविजन अपना डेली शो काम टेलीविजन कर ही रहा है, टेलीविजन का अपना अलग अपना कल्चर है, सिनेमा का कल्चर अलग है और आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का कल्चर अलग है। क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले टाइम में ओटीटी भी बढ़ेगा? तो यस, आने वाले टाइम में सबसे बड़ी मार्केट ओटीटी प्लेटफॉर्म ही होने वाला है।
पूरी दुनिया OTT पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि मोबाइल पे। देखिए अगर मोबाइलों की संख्या बढ़ रही है समाज में या दुनिया में, तो जाहिर सी बात है OTT प्लेटफॉर्म का बिजनेस भी बढ़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी माता जी है, कुमकुम भाग्य उन्हें बहुत पसंद है। रात को 9 बजे आता है मेरे ख्याल से GTV, आजकल TV भी उतना देखता नहीं हूँ, तो वो अपने हाथ में फोन लिए रहती हैं और उस पर कुछ स्क्रॉल करती रहती है YouTube पे, और उधर कुमकुम भाग्य चल रहा होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देख रही है या वो देख रही है। तो मुझे लगता है कि मतलब मोबाइल इतना वो कर लिया है आजकल टेलीविजन बैकग्राउंड साउंड के लिए होता है। इतना बैकग्राउंड में कुछ चलते रहना चाहिए ना, कि वो फील कर रही है कि हमें टीवी देख रहे हो। हाँ, वो बैकग्राउंड में कुछ चलते रहना चाहिए, लेकिन वो मोबाइल पे अटकी पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टेलीविजन खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। हाँ ये है कि समय बट जाएगा, खत्म कुछ नहीं होगा। टेलीविजन की अपनी अलग मार्केट है, इनकी अपनी अलग मार्केट है, प्लस मोबाइल का नशा एक अलग होता है। हम भी तो देखिए, आप और हम इस इंटरव्यू किसके लिए बना रहे? बिल्कुल मोबाइल के लिए। आपका ये दौर था 5-7 सालों का, मेरे ख्याल से दौर हो चुका है ये लगभग फिल्मों का दौर, मुंबई से लेकर अब तक 10 साल का दौर। 10 साल एक लाइन बने रहना मतलब आप सीरियस हैं इस करियर को लेकर, लोग ऐसा मानने लग जाते हैं। शुरुआत के 1-2 साल तो सोचते हैं भूत चढ़ा हुआ अमिताभ बच्चन का, और इस समय रणवीर सिंह का ज्यादा क्रेज है लोगों पे। तो अब आपको सीरियस वे में ले लिया गया कि हाँ अब जो करेंगे आप ये करेंगे। रोटी दाल लोगों का बेसिकली चलता है किसी भी काम से, जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली होती है तो कहते हैं हाँ रोटी दाल चल रहा है हमारा इनसे। तो आपका रोटी दाल चल रहा है या चिकन भी चलने लग गया, सब बटर भी हो रहा है? ये हम पे डिपेंड करता है हम क्या खाना चाह रहे हैं। नहीं बेसिकली आप समझ रहे होंगे कि मेरे सवाल क्या है और मैं क्या सुनना चाहता हूँ। तो रोटी दाल चलाता है ये आपका काम, या फिर चिकन भी और बटर भी ले सकते हैं? समय समय की डिमांड रहती है, हम बटर चिकन भी हम लोग खाते हैं और समय आने पे हम दाल रोटी भी चलते हैं। कहने का मतलब है अभी लॉकडाउन चल रहा है, आजकल दाल रोटी चल रही है। अच्छा, बिजनेस ठप्पड़ है, आजकल दाल रोटी चला रहे हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तब चिकन चुकन भी चला दिया करते थे। एक अच्छे बेटे बन पाए? ये क्वेश्चन तो आप हमारी माता से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, फिर भी आपके ख्याल क्या है? अगर आप मेरी मम्मी से जाके पूछेंगे कि अच्छा बेटा बन पाया, तो कहेंगे पहले इसकी शादी करवाओ। अच्छा। शादी नहीं करना चाह रहा है अभी। मैं कहता हूँ मैं टाइम नहीं आया शादी करने का। करियर में बहुत सारे पड़ाव बाकी रह गए हैं, काम अभी ठीक से नहीं किया है, इस्टेब्लिश हो जाने तो ठीक से अच्छे करके तब शादी कर लेंगे। नहीं ये क्वेश्चन अभी तो नहीं कह सकता मैं बहुत अच्छा बेटा बनाऊं, इसके लिए बहुत सारा समय, क्योंकि मुकाम बहुत बड़ा है। तो ये जो आर्टिस्टिक लाइफ होता है ये बहुत पेशेंसफुल लाइफ होता है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम से आपके पास बहुत काम होता है और बहुत सारा पैसा होता है, और एकदम से ऐसा आता है कि आपके पास पैसों की तंगी हो जाती है, आपको घर से भी लेना पड़ना पड़ता है। 10 सालों से लगातार आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपने अप्स डाउन्स देखेंगे, कौन सी चीज है जो आपको लगातार मोटिवेट की रहती है, या कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको लगातार इंस्पायर किया रहता है कि नहीं बेटा अभी तू कर, अभी और कुछ करना बाकी है? समाज मेरा जो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है ना वो है मेरा समाज। ये मेरा जो समाज है ना, आसपास के जो लोग है ना, ये जीने नहीं देते। ये अगर कुछ नहीं करोगे ना तो टोंड मार मार के जीने नहीं देते। ये समाज ही मेरे को मजबूर करता है, ये समाज ही मेरे को मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। 10 साल बीत गए, ऐसा नहीं कि कहीं पैसा आता है, कहीं काम है, कभी नहीं है। शुरू के बहुत साल कुछ नहीं है, भूल जाओ। अगर आप इस फील्ड में है तो शुरू के 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल भूल जाओ, कुछ आपके पास है खोने के लिए या पाने के लिए, भूल जाओ। लग जाओ सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे, मेहनत 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 मेहनत, कम से कम 5 साल की मेहनत के बाद वो फल देना शुरू करता है। तो 5 साल का मेहनत तो सर देखना पड़ेगा। क्या कर दिए? तो करते रहे, समाज आपको मजबूर भी करता है, समाज आपको मोटिवेट भी करता है। तो जो मेरा समाज है ना वो मेरे को बड़ा मजबूर भी करता है, देखता भी है घूर के क्या कर रहा है, अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था, हुआ या नहीं हुआ।
तो ये सब जो कमेंटफुल जो आंखें होती है ना, ये मेरे को मोटिवेट करती हैं काम करने। और दूसरी बात, जब काम आपका पैशन का हो ना, तो काम नहीं नशा बन जाता। हम लोगों के लिए काम काम नहीं होता, ये हमारे लिए पागलपन है, नशा है। हम लोग घर नहीं जाते चार चार पांच पांच दिन तक, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, हम दिन भर रात भर काम करते रहेंगे। मतलब इस लेवल का हम लोग को नशा रहता है इस काम का। और जहाँ पे काम का नशा रहता है, पागलपन रहता है, वहां फिर हमें मेहनत दिखाई नहीं देती है, फिर तो होते जाते हैं काम। माँ पिताजी नहीं है आपके? नहीं, पिताजी का स्वर्गवास। माँ और भाई, सबसे पहला चैलेंज होता है कि आप अपने घर में लोगों को ये बता पाए कि आप कुछ कर रहे हैं, आपका जुगाड़ हो गया है, आपकी जिंदगी ठीक चल जाएगी, आप भी अपने आप को कमा लेंगे, आप अपने खा लेंगे और कपड़े पहन लेंगे और ठीक ठाक से रह लेंगे। ये यकीन दिला दिया आपने अपनी मम्मी को कि हाँ मैं कर लूंगा ठीक है? अगर आप ऑफिस देखेंगे हमारा, तो हम लोगों ने ऑफिस को बहुत मेंटेन कर रहा है। प्रोडक्शन लाइन, बाइक थी मेरी, मेरी कार है प्रोडक्शन की, हमारी सब EMI पे ली हुई चीजें हैं, डेली रोजमर्रा के खर्चे हैं, सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे उनको दिख जाता है कि हाँ लड़का काम तो काम वाम कर ही रहा है, कमा रहा था। वो भी ऐसा नहीं है कि चलिए एक दिन दो दिन तीन दिन, पिछले चार साल से मेंटेन कर रहे हैं। तो जब लोगों को दिख जाता है घर वालों को कि हाँ अपने सही है, ठीक है, हम उनको यकीन हो गया है कि मेरा बेटा, मेरे बड़े भैया को जाली कार मेरी बहुत पसंद है। अमेश भैया ने सबसे पहले कार ली है, हमारे बड़े खानदान ने पहली कार ली थी भैया ने। और लेकिन भैया को आज भी सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन मैं घर पे गाड़ी लेके आया था दूसरी गाड़ी। तो वो दिन भैया के लिए सबसे ज्यादा खुश थे भैया, और इसीलिए वो भैया खुशी खुशी और हक से सबसे ज्यादा गाड़ी यही चलाते हैं। और मेरे को उनकी छोटी गाड़ी पसंद आती है, जिनके पास उनकी गाड़ी, मेरे लिए वो लग्जरी है, भैया को इसमें मजा आता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुश है अपनी जगह ना। मेरे को जब देखते हैं तो उनको लग जाता है कि हाँ ठीक है अपनी जगह पे चल रहे हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं था कि अमित दीक्षित जी जो ये प्लान बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उन लोगों को भी यकीन हो गया है, उन लोगों को लगने लग गया कि हाँ लड़का कुछ करने लग गया है, जो कहता था वो चीजें कर रहा है, एप्रिसिएशन मिलता है उन लोगों से? मेरे को तो वो लोग ही नहीं मिलते। मेरे को तो सामने मिलते ही नहीं है कोई। अच्छा, वो लोग ही गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए, दिखा या तो मेरे को ही नहीं दिखते होंगे, जो शायद हंसते हैं या फिर बोलते हैं, होगा नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करता है। क्योंकि पता नहीं क्यों शुरू में तो लगता था, शुरू में तो कुछ लोग बोलते थे कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जो अब सामने जब भी आते हैं, तो कोई भी आता है तो काफी साल से वो काफी बातों में बिलीव तो रखते ही रखता है, तब तो समझ में नहीं आता कि बोलता कौन था, सभी अपने लगते रहते हैं। सभी अपने ही है, क्या फर्क पड़ता है। अभी हमने छोटा बहुत छोटा सा मुकाम है, कोई ऐब मुकाम, कोई ऐब है आप में? अरे हम तो ऐब ही ऐब से भरे पड़े हैं। फिर बहुत ऐब है अपने, हर तरह के ऐब। क्या हर तरह के? टीम मजाक कर रहा हूँ, मैं चीजें शौक के लिए करता हूँ। मैं कभी भी ये चीज का आदी नहीं है। मैं जो भी करता हूँ मैं शौक के लिए करता हूँ। अगर मैं ड्रिंक भी करता हूँ, मेरे में ऐप है, मैं शौक के लिए करता हूँ। मेरा शौक है बस, और कुछ नहीं है। मैं हर मेरे को घूमने का बड़ा शौक है, और कहीं ना कहीं मेरा ऐप भी है। ऐप भी कह सकते हैं कि जब देखिए जब मन होता है गाड़ी उठा के हम कहीं भी चल देते हैं। लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं क्यों इतना डीजल फूकता है, क्यों इतना पेट्रोल फूक रहे, क्यों इतने पैसे फूक रहे। ऐब ही समझो, घूमना एक ऐब है, हमारा शौक है। तो जो भी है मेरे शौक है, और हर शौक को पूरा करता हूं। कभी प्यार हुआ आपको? चार बार हुए। चार बार सच्चा वाला? हाँ, हर बार सोचता फ्लर्ट करूंगा, हर बार सच्चा वाला प्यार हो जाता है। ब्रेकअप, डिप्रेशन में गए हैं आप कभी सारी चीजों के बारे में? शुरू में गया था, पहले ब्रेकअप के बाद उबारा है। कैसा दौर होता है वो डिप्रेशन का? क्योंकि अभी ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है, इसने मुझे बड़ा जोर दिया। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए डिप्रेशन का लेवल अलग होता है। बिल्कुल, अभी आज के डेट में आप 15 16 17 साल के बच्चे से मिलेंगे, हमने तो बच्चा ही कहते हैं, अगर वो किसी उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से बात कर लिया, पता नहीं गर्लफ्रेंड कैसे बन जाती है, गर्लफ्रेंड ने किसी और से बात कर लिया
15 साल के लड़के का, तो भाई साहब वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया तो भाई साहब डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनको टेंशन होता तो उनको लगता है कि वो डिप्रेशन में ना, डिप्रेशन का लेवल बहुत अलग होता है, हर व्यक्ति के डिप्रेशन का लेवल अलग होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है, आपके डिप्रेशन से या आपके प्रॉब्लम से एक ही व्यक्ति आपको बाहर निकाल सकता है और वो आप खुद हैं। आपके अलावा कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद नहीं आना चाहते। तो डिप्रेशन में रहते हैं दो तीन महीना मैं भी डिप्रेशन में रहा, लेकिन जब मन हुआ कि नहीं अब डिप्रेशन से बाहर आने का टाइम आ गया तो अपने आप को मोटिवेट किया, फिर काम चालू। डिप्रेशन ये सिर्फ प्यार मोहब्बत से था या काम को लेकर भी आदमी डिप्रेस रहता है कि जैसा चाह रहा है वैसा चीजें हो नहीं पाती हैं? सारी चीजें थी मेरे साथ, सारी चीजें थी। एक समय ऐसा आता है, देखिए एक बालक ऐसा होता है, कोई भी बच्चा जब काम करता है या कुछ भी करता है तो उसकी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं। जब वो सपने पूरे नहीं होते ना तो टूटता है, बार बार टूटता है। उस वजह से उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपने आप को समय के साथ साथ फिर लूजर समझने लगते हैं। क्योंकि समाज आपका, समाज आपको, मैंने क्यों बोला कि समाज मेरे को मोटिवेट करता, समाज आपको जीने नहीं देता। हर समाज का लड़का आपको हर टॉपर से कंपेयर करेगा कि उसका बच्चा इतना बड़ा नंबर लाया तू कहाँ है, या उसका बच्चा डांस में अच्छा है तू कहाँ है। हर हर व्यक्ति का एक होता है अपना टैलेंट अलग है, उस टैलेंट तक, उस टैलेंट के लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, अनुभव चाहिए। इस रेस में, समाज के रेस में हम दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में जब पीछे हो जाता है कोई बच्चा, उसके इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होगा, पीछे हो गया तो अपने आप को लूजर समझने लगता है, उसको लगता है कि शायद मेरा जीवन वेस्ट हो गया, मैं लूजर हूँ। यही चीज उसको डिप्रेस्ड भी करती है, यही चीज उसको परेशान करती है, यही चीज उसको बर्बाद भी करती है। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति किसी ना किसी एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए पैदा हुआ है, समय आने पर आपको आपकी लाइन मिल जाएगी, बस थोड़ा समय को समय देने की जरूरत है। जो ये नए युवा है जो इस आर्टिस्टिक फील्ड या एंटरटेनमेंट फील्ड में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कुछ भी आर्टिस्टिक या एंटरटेनमेंट जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, क्या ये अपने शहर में भी रह के कर सकते हैं या मुंबई जाना इनके लिए जरूरी है, या क्या चीज है जो इनके लिए जरूरी है ताकि इस फील्ड में कामयाब हो पाए? आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हम ही लोग हैं, हम तो मुंबई नहीं जा रहे। नहीं नहीं, हमने यही किया सर। आज का जमाना, पहले एक वक्त हुआ करता था कि हाँ जी पर्दे में फिल्म लग रही है, ये टेलीविजन में सीरियल आ रहा है, उसके लिए एक हब था, वो था मुंबई। मुंबई के अलावा कहीं होता ही नहीं था काम ये। आज की डेट में OTT के प्लेटफॉर्म का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जहाँ बैठे वहीं से बैठ के काम कीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अब वहां से बैठ के आप कामयाब हो सकते हैं, और लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं, लोग हो रहे हैं। अब वो दिन गए कि आपको मुंबई ही जाना है या दिल्ली जाना है, आप अगर आपके अंदर टैलेंट है आप जहाँ है आप वहीं से काम कीजिए, और काम होगा। ऐसा नहीं है एक दिन नहीं होगा, दो दिन नहीं होगा, तीन दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जरूर होगा। समय को समय देने की जरूरत है ना। यूट्यूबरों के बारे में क्या ख्याल है आपका? यूट्यूबर का फ्यूचर है कुछ हमारे जैसे लोगों का कोई फ्यूचर है? हाँ, अगर आप इस इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट लाइन आने वाले टाइम में, एंटरटेनमेंट जो लाइन है ना, ये सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। मैं आपको बता दूं आज से ही, आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही है। लेकिन यहाँ टिकेगा वही जिसके अंदर टैलेंट होगा। ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक समुंदर है, यहाँ से कचरा बड़ी जल्दी बाहर निकलता है, बड़ी जल्दी अंदर जाता है, बड़ी जल्दी बाहर भी निकलता है कचरा। इसलिए अपने आप को कचरा बनाने से रोकना पड़ेगा, अच्छे कंटेंट लेके आइए, अपग्रेड करिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को, टाइम टू टाइम अपग्रेड कीजिए। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे आप डाउन हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट मतलब यूट्यूबरों का जो है, आपको लगता है कि यूट्यूबर्स आगे बढ़ेंगे, काम कर पाएंगे? हाँ करेंगे, अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत दिल से जवाब दीजिएगा आप, मैं कैमरे पे कुछ ऐसा सोचिएगा मत, फेक या दिखावटी कुछ नहीं चाहिए आपको। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट चल सकते हैं इस समय आपका, एज ए जो भी आपका एक्सपीरियंस है मीडिया लाइन में? डिपेंड करता है, चल जाएंगे, ऐसा नहीं,
अब यूट्यूब के अंदर हर तरह की चीजें चलती है। देखिए हर आदमी का शौक, हर व्यक्ति का शौक अलग होता है। मैं हो सकता है कि मैं टेनिस का गेम नहीं देखता, या मैं यूट्यूब के अंदर कि टेनिस प्लेयर कोई टेनिस खेल रहा होगा, लेकिन उसके वीडियोस लोग देखते हैं ना, टेनिस वाले तो देखते हैं। ऐसे ही जो हर व्यक्ति यूट्यूब की अच्छी बात ये है, आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें देखते हैं। वो जिसके इंटरेस्ट में रहेगा वो आपकी चीजें निकाल के देखेगा, जिसके इंटरेस्ट में नहीं रहेगा वो नहीं देखेगा। और वैसे भी इंडिया में एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं आपको बता दूं, तो वो अच्छी चीज है पॉपुलेशन। हमारे पास हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, और इस बड़ी पॉपुलेशन में क्या है कि हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के इन द सेंस हर तरह के, हर जोन के लोग हैं। किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है, ठीक है। तो इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए, आपका भी कंटेंट देखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे ना, हम भी तो देखते हैं वो कंटेंट। तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ चला जाए आपके, आपको अपने ऑफिस लेके चलते हैं, क्योंकि जहां से चीजें शुरू हुई, जहां सारा काम कारोबार होता है सेट के बाद, कहां प्लानिंग बनती है वहां चल रहे हम लोग। बिल्कुल, आप आइए आप हमारे प्रोडक्शन के ऑफिस में। सवाल और जवाब तो बहुत हो चुके थे कार में ही, लेकिन मेरे को जस्ट प्रोडक्शन हाउस देखना था, उसके अंदर का नजारा कैसा होता है, कुछ ये एलईडी एडिटिंग वगैरह के लिए शायद आपने लगाया होगा। हाँ, ये हम लोग का पूरा एडिटिंग पोर्टल है, पूरा एडिटिंग सेटअप डेस्क कहते हैं। ये अवार्ड दिखा मुझे, अवार्ड का बड़ा शौक रहा है, तो इसका क्या किस्सा इस अवार्ड का? हम लोगों ने एक फिल्म मेकिंग वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था जीसीएस पब्लिक स्कूल में, तो उसमें लगभग हम लोगों ने 10 दिन तक 40 बच्चों को फिल्म मेकिंग का हम लोगों ने पूरा एक वर्कशॉप कराया था कि हाउ टू मेक अ फिल्म। तो उसी के लिए एक स्मृति स्वरूप ये हमको भेंट किया गया था, मेमोरेबल। एक ये पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है लव कथा। हाँ, लव कथा, इसके बारे में हमने यही वही वेब सीरीज है जो आपने बनाया था, उसका शायद ये पोस्टर है, ऑफिशियल पोस्टर था इसका। इसमें एक जो जितेंद्र बोहरा जी हैं, जो टीवी के बहुत बड़े हस्ती हैं, तो कैसे एंट्री हुई होगी उनकी? एक्चुअली जितेंद्र बोहरा के बारे में बताऊं तो वो बहुत पुराने मेरे जानकार व्यक्ति हैं। हम लोग एक्चुअली मैं ही उनके रूम में रहता, मैं आपको बताया था मुंबई में सब कुछ आसान है एक रूम मिलने को छोड़ के। तो जब मैं तीसरा चौथा लास्ट ईयर ही चल रहा था, जब मैं वापसी आया था उससे 5-6 महीने पहले की बात है, तो जितेंद्र बोहरा जी के पास उन्हीं के रूम में मैं एज अ पीजी रहने गया था। तब उन्होंने उस टाइम उनके पास कोई बड़ा उन्होंने बड़े काम किया था, पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तो एक अच्छी खासी हमारी दोस्ती हुई थी उस टाइम में। उसके बाद उन्होंने लगभग उनको अशोका में राधा गुप्त का एक बहुत बड़ा करेक्टर मिला था, और उसके बाद मैं वापसी आ गया था उस टाइम मुंबई में। लेकिन वो बहुत अच्छे पर्सन है, कितनी भी कामयाबी पाई हो, लेकिन उन्होंने उनको बात करने का अंदाज हमेशा वही रहा, दोस्ती का अंदाज वही रहा। तो जब डिस्कशन हो रहा था इसको चाय वाले कैरेक्टर को लेकर, तो कई लोगों को हमने ट्राई भी किया कि इस कैरेक्टर में उनको बैठा के देखते हैं, इस कैरेक्टर में जैसे असलम कोरा जी को बैठा कर उनका मैच नहीं होता, फिर एक पर्सन के लिए बात हुआ उनको बैठा के देखते हैं इस कैरेक्टर में मैच नहीं हुआ। तो जस्ट फिर मैंने दिमाग में आया कि इसलिए पूछ के देखता हूँ, वैसे तो पॉसिबल नहीं था उनका आना, तो मैंने जस्ट उनको जितने तक मैंने कॉल किया, मैंने स्क्रिप्ट भेजा, मैंने कहा दादी एक स्क्रिप्ट भेजा हूँ मैंने आपको, आप पढ़ लीजिए, छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप देख लीजिए आपको सही लगे तो। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ने का बोला कि चलो कोई बात नहीं, हमें अच्छा लग रहा है सो करता हूँ। तो एकदम से अपनी बात को लेकर राजी हो गए, फिर उन्होंने अपना टाइम निकाला, विघ्नहर्ता गणेश में इंद्र शत्रु का बड़ा कैरेक्टर वो कर रहे थे, वो जैसे ही उसको उनका शूट कंप्लीट होते फिर उन्होंने सीधे फ्लाइट पकड़ी अगले दिन की, और उसके फिर एक दिन छोड़ के यहाँ पे शूटिंग हुआ पूरा उसका, फिर उन्होंने वापसी कर ली। तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने समय दिया था इस पूरे कैरेक्टर के लिए, तो सडनली अचानक से ही उनसे बातचीत हुई और उन्होंने हाँ भी कर दी। 1.5-2 घंटे से मैं आपके साथ हूँ, इससे पहले भी एक बार मुलाकात हुआ, उससे पहले लगातार फोन पे हमारी बात होती रही है। वो अमित दीक्षित का एक अलग कैरेक्टर होता है, लेकिन सेट पे ऐसा रूमर है या सच्चाई है कि आपका अलग कैरेक्टर होता है, जूते चप्पलों से बौछार हो जाती है आपके स्टाफ पर? तो इसका एक्चुअली क्या है कि ऑन द सेट जब हम लोग की टीम काम करती है, तो हम लोग एक चीज बहुत जरूरी होता है कि आप बैक साइड में आप जो भी हैं, शूट के बाद आप कितने भी अच्छे दोस्ती यारी
जो भी है आपका सही है। ऑन द सेट हम लोग बी सीरियस, अगर किसी काम को हम लोग कर रहे हैं तो वो चीज बिल्कुल सटीकता से सही समय पे होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जब वो चीज मेरे को ठीक से नहीं मिलती है तब कई बार लोगों को मेरा वाला रूप देखने का मौका मिलता है। मैं भी मतलब मेरे को भी अच्छा ही लगता है, लेकिन जब ऑन द सेट जब गुस्से में रहते तो कई बार फिर जूते भी निकल गए हैं, चप्पलें भी निकल गई है, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है, वो सब चीज इन सब चीजों को बुरा नहीं मानती। आपको रियलाइज होता है बाद में कि ये मैंने किया गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था ये सारी चीजें? वैसे तो नहीं होना चाहिए था मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं किसी से, अगर माना हमारी टीम में कोई नया बच्चा है अगर वो सीखते हुए गलती कर रहा है, एक बार किसी गलती हो गया हम माफ करते हैं, दो बार गलती उसी चीज हो गया माफ करते हैं, लेकिन बार बार उसी चीज गलती करता है तो थोड़ा गुस्सा आता है। और सेकंड चीज ये गुरु के साथ देखो भाई, मंदिर में रहना तो बाबा को सहना है, तरीका हमारा यही है, तो अगर उसको सीखना होता तो व्यक्ति उसको सहता भी है। लव कथा बनाई आपने, कुछ ऐसे किस्से जो आज तक आपके जहन में रह गए हो जिसको आप आज भी सोच के हंसी आ जाती हो, या ऐसा कुछ अलग ही चेहरे का रौनक बदल जाता हो? हंसी के वैसे तो सारे किस्से साल भर के हंसी मजाक के थे, और एक छोटा सा किस्सा हंसी क्या बहुत सारे किस्से हुए। एक हॉस्पिटल जो भी सबसे बढ़िया किस्सा क्या था कि सबसे ज्यादा हमारे जो लव कथा में जो सबसे ज्यादा मशहूर किस्सा है वो है मेरा और रिंग्स मार्टिन जी की लड़ाई का। ऑन द सेट हम लोग की भिड़ंत हो ही जाती थी किसी ना किसी बात को लेकर, मैं कहूंगा ये एंगल ऐसे मजा गया वो गारंटी जैसे मजा गया वो लाइट ऐसे लगेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग की कुछ देर की, लेकिन हम लोग की लड़ाई होती थी कुछ मिनट की, फिर बाद में साथ में गले में गले लगे हर चीज में शूट करो। तो ऐसे हम लोग जब शूट कर रहे थे लगभग 24 घंटे से ज्यादा हम लोग कंटिन्यू शूट कर चुके थे लास्ट एपिसोड का, जो छठा एपिसोड हॉस्पिटल का था। जब हम लोगों ने सारा शूट निपटाया, एक फाइनल शूट पे आया, हम लोग तो रोने वाला सीन था जब वो हाथों में हाथ रख के उसकी डेथ हो जाती है, उसका रोने वाला सीन था। अच्छा हम लोग के लिए टास्क जिस जगह पे हम लोगों ने शूटिंग करने का सोचा उस जगह पे लाइट आ चुकी थी, सनलाइट आ चुकी थी, तो उस जगह पे हम लोग नीचे कर नहीं पाए रिसेप्शन में, तो हमें उसे ऊपर जहाँ पे आईसीयू था उसके बगल में ही करना पड़ा। तो अब उस जगह पे स्पेस का इश्यू हुआ, हमारे दो कैमरे लगे थे, हमारे रिंग्स मार्टिन जी लगे थे एक कैमरे पे, एक कमरे पे अनिल जी लगे हुए थे। अब दोनों को एक ही गैलरी के अंदर शूट करना है और उसका टाइमिंग टेक एक ही है, हमने उसका एक ही टेक लेना था। तो अब ये टास्क ये हुआ कि दोनों कैमरे एक साथ चलेंगे और एक भी कैमरा स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए एक दूसरे का कैमरा, तो इस बात को लेके थोड़ी सी भिड़ंत हो गई थी। और हम लोगों ने पैकअप भी कर दिया था, शूटिंग पूरा उठा के पैकअप सब मारो, पैकअप कुछ नहीं होगा बाद में करेंगे। फिर बाद में नीचे गए और नीचे जाके हम लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखा 5 मिनट, फिर पता नहीं क्या वो बोला चलो शूट कर ले। कैमरा लगाया हमने, शूटिंग चल रही थी। तो ये किस्से हम लोग के साथ होते रहते थे, और भी बहुत सारे किस्से हैं, कभी बैठेंगे तो आपको बताएंगे कास्टिंग से लेकर और सनाई कास्टिंग कैसे हुई और पन्नू किस तरह निकाला गया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे साथ के हैं, तो अभी तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। लव कथा जो आपका आखिरी प्रोजेक्ट था, इसके बाद कोई प्रोजेक्ट है अभी या किसी प्रोजेक्ट का काम चले? लव कथा के बारे में बता दूं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये लव कथा सीजन 1 था, ये अभी कहानी अभी आती है, सीजन 2 अगले साल आपको देखने को मिलेगी। कोविड-19 का टाइम नहीं होता तो शायद दिसंबर तक मिल भी जाती। तो लव कथा 2 का सीजन 2 का स्टोरी लगभग पूरी हो चुकी है, स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, फिर उसका जैसे परमिशन सारी चीज कंप्लीट होगा उसकी शूटिंग हम लोग चालू कर देंगे। इसके अलावा हम लोग एक थ्रिलर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और एक लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी ये ऑन द सेट है, सेट के बाद का चीज है, ऑन द सेट में हम लोग जो शूट करते हैं उसके बाद बिहाइंड द कैमरा एडिटिंग डेस्क है। तो एक हम लेके आ रहे हैं पिक्चर के पीछे क्या है, एक सीरीज है जिसके अंदर शूटिंग के दौरान बिहाइंड द कैमरा या पोस्ट प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, भसड़ कह दीजिए उसको, बहुत ही कॉमिक अंदाज में, कॉमेडी अंदाज में हम लोग लेके आने वाले हैं। और संवैधानिक चेतावनी, अगर हम सारी चीजें सही दिखाएंगे तो लैंग्वेज भी हम वही दिखाएंगे जो हमने उस टाइम में यूज की थी, तो यूज हेडफोन में भी जूते चप्पलों का इस्तेमाल किया, सब कुछ जो चलेगा वो, जो चीज ऑन द सेट रियल हुई है
वही चीज हम किस्सों के दौरान इसको दिखाएंगे, इसका भी एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। और इसके अलावा हम एक टॉक शो लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग एक ब्लॉग शो है जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ लोग किसी मुद्दे को लेकर, तो उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो हो सकता है जल्दी उसका पोस्टर हम लोग लॉन्च कर देंगे। आपकी जब मेरी बातचीत हुई उससे पहले से क्या आप हमारी टीम को जानते थे या मुझे जानते थे? पहले तो नहीं, लेकिन आपने जब कॉल किया तो उसके बाद मैंने फिर आपके भेजे हुए लिंक खड़े देखे थे और फिर उसी के दौरान फिर आपसे बातचीत भी हो गई थी मेरी, तो बस ये भी इतना ही सफर है। बाकी कोई ऑब्जर्वेशन मेरे बारे में जो आपको लगा हो कि हाँ ये ठीक है या ये गलत है? अभी इसको थोड़ा समय देते हैं, एकदम से ऑब्जर्वेशन एकदम से किसी के लिए राय बनाना तो ये मेरे को तो नहीं आता, कुछ समय दीजिए। आप फिल्में देखते हैं? हाँ बहुत। उसमें लास्ट में एक लाइन आता है डी एंड, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मेरा भाई भी एक्चुअली मेरी टीम दो ही लोग हमारी पूरी टीम क्या मेरी मम्मी पापा सब एक टीम है, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते हैं तो आता है डी एंड। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि कोई फिल्म का एंड होता है, लड़का लड़की मिल जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, बेसिकली सब कुछ डी एंड में अच्छा दिखा देते हैं, डायरेक्टर सारा लिख देता है डी एंड कि खत्म हो गई कहानी। तो आपका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे चैनल का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग, कि अब सारी चीजें ठीक हो गई, अब यहाँ से शुरुआत होगी लाइफ की, तो हमारे शो का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग। जाते जाते एक आखिरी संदेश दर्शकों के लिए कोई आपका हो अपना? आखिरी संदेश तो दोस्तों, फिल्मी चाणक्य के चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी मजेदार इंटरव्यूज देखने के लिए। और मेरे अनुभव से अगर आप कुछ सीखे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ बिगनिंग। सो गाइस, आज हमारे साथ थे मल्टी टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गन राइटर और पता नहीं कि बहुत सारे काम देखते हैं अपने डिपार्टमेंट के, एंटरटेनमेंट आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट के, मिस्टर अमित दीक्षित जी। तो ये इंटरव्यू बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।